स्टूडेंट्स, हमने अपने फर्स्ट और सेकंड वीडियो में क्लास 8th एसएसटी से रिलेटेड जो ज्योग्राफी का लेसन है, लेसन 3rd का फर्स्ट और सेकंड पार्ट स्टडी किया था। हम अपने थर्ड वीडियो में क्लास 8th एसएसटी ज्योग्राफी लेसन 3rd का रेस्ट पार्ट स्टडी करेंगे। हम अपने टॉपिक पे आते हैं। हमने फॉसिल्स की डेफिनेशन स्टडी कर ली थी। अब हम फॉसिल्स के डेफिनेशंस के आगे कुछ मिनरल्स को डिस्क्राइब करेंगे, जिसमें कोल एक प्रोमिनेंट मिनरल है। कोल को हम डिस्क्रिप्शन स्टडी करेंगे। टाइप्स ऑफ कोल, कोल के अलग अलग टाइप्स होते हैं। एंथ्रेसाइट कोल होता है, बिट्यूमिनियस कोल होता है, लिग्नाइट और पिट कोल होता है। ये कोल के टाइप्स हैं। कोल के टाइप्स में एंथ्रेसाइट, बिट्यूमिनियस, लिग्नाइट और पिट। बेस्ट क्वालिटी का कोल होता है एंथ्रेसाइट, द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेटलर्जिकल कोल, जो सबसे ज़्यादा यूज़ में आता है और मेटल को प्यूरीफाई करने के काम में जो कोल आता है उसे हम बिट्यूमिनियस कोल कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है डिफरेंस बिटवीन कन्वेंशनल एंड द नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज। डिफरेंस बिटवीन कन्वेंशनल एंड द नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी आर ट्रेडिशनली सोर्स। कन्वेंशनल सोर्स को कहते हैं हम ट्रेडिशनली सोर्स कहते हैं, जो पावर से रिलेटेड होते हैं। जैसे एग्जांपल है चारकोल, फायरवुड एंड कोल एंड पेट्रोलियम। नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज में आ जाते हैं एनर्जी, जो हमें सन, विंड, वाटर और टाइड से मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कन्वेंशनल सोर्स आर द नॉन रिन्यूएबल। कन्वेंशनल सोर्स, जिसे हम ट्रेडिशनल सोर्स भी कहते हैं, नॉन रिन्यूएबल होते हैं। इट मीन्स जल्द ही एग्जॉस्ट हो जाते हैं और रिन्यू होने में काफ़ी लंबा टाइम लगता है। इसी तरीके से नॉन कन्वेंशनल जो सोर्सेज होते हैं वो रिन्यूएबल होते हैं। इट मीन्स नॉन एग्जॉस्टेबल होते हैं, जल्द ही रीडेवलप हो जाते हैं और उन्हें बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कन्वेंशनल सोर्स कॉजेज लार्ज स्केल पॉल्यूशन। कन्वेंशनल सोर्स, जिसे हम ट्रेडिशनल सोर्स भी कहते हैं, बहुत ही लार्ज स्केल पर पॉल्यूशन डेवलप बनाते हैं, पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं, एनवायरमेंट को हार्म करते हैं। नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज होते हैं जो इको फ्रेंडली होते हैं। इको फ्रेंडली होने का मतलब है एनवायरनमेंट को पॉल्यूट नहीं करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कन्वेंशनल सोर्स आर कन्फाइंड इनटू सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। कन्वेंशनल सोर्स केवल कुछ वर्ल्ड के कुछ पार्ट्स में ही हैं, जबकि नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज हैं वो वर्ल्ड के अधिकतर एरिया में, मोस्टली कंट्रीज में स्प्रेड हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है इम्पॉर्टेंट कोल फील्ड्स ऑफ इंडिया। कोल फील्ड्स इंडिया में, इट मीन्स कोयला कहाँ कहाँ मिलता है। इंडिया में रानीगंज में मिलता है, झारिया, बोकारो और नेवेली। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम से रिलेटेड एग्जांपल है, सबसे पहले पेट्रोलियम को हम ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं। इज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। पेट्रोलियम एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है एनर्जी का, फॉर रनिंग द मशीन्स एंड द ऑटोमोबाइल्स। इट मीन्स जो व्हीकल्स होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन में काम में आता है पेट्रोलियम, और मशीन्स को जनरेट करने के काम में आता है पेट्रोलियम, जो एनर्जी का ही एक सोर्स है और जिसे हम ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं। पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग एरिया है मिडल ईस्ट एरिया है ऑफ द वर्ल्ड। ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया एंड कतर आर द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ पेट्रोलियम। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है इम्पॉर्टेंट ऑयल फील्ड्स। इट मीन्स जहाँ से ऑयल मिलता है। इम्पॉर्टेंट ऑयल फील्ड्स इंडिया, डिगबोई इन असम, असम में डिगबोई एरिया है, मुंबई हाई इन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में मुंबई हाई, और अंकलेश्वर इन गुजरात, गुजरात में अंकलेश्वर में ऑयल फील्ड्स मिलती हैं। इट मीन्स ऑयल मिलता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा नेचुरल गैस। नेचुरल गैस में से रिलेटेड सबसे ज़्यादा लीडिंग प्रोड्यूसर नेचुरल गैस एरियाज हैं यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम एंड द नीदरलैंड। इन कंट्रीज़ में नेचुरल गैस का प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा होता है। तो स्टूडेंट्स, हमने अपने थर्ड वीडियो में जो क्लास 8th एसएसटी का ज्योग्राफी से रिलेटेड लेसन 3rd का थर्ड पार्ट स्टडी किया। हम अपने फोर्थ वीडियो में और फाइनल वीडियो में क्लास 8th एसएसटी ज्योग्राफी से रिलेटेड लेसन 3rd का फाइनल पार्ट स्टडी करेंगे।